एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि केएएस के मुलाजमीन को बहाल न किया गया तो पुरअम तहरीक शुरू की जाएगी। एमकेएम के 6 रुकनी वफद ने डॉक्टर फारूक सत्तार की क्यादत में गवर्नर हाउस में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ताबिश गौहर और गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात की। फारूक सत्तार का कहना था कि आवाम के मुआशी कत्ल की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मौके पर गवर्नर सिंह ने हिदायत की कि केएससी से निकाले गए मुलाजमीन को बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएं। मुलाकात में वजीर आला सिंह के मुशीर ख्वाजा इजहारुल हसन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लेबर डिवीजन के अराकीन भी मौजूद थे।